क्वेश्चन नंबर टू का आंसर बन गया ए. क्वेश्चन नंबर थ्री, ऑन फर्स्ट में हसन हैड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 1144, मतलब हमारा बैंक किस में जा रहा है, माइनस में जा रहा है, इसका मतलब हमने बैंक को पैसे देने हैं, लायबिलिटी. ऑन सेकंड में ही वाज नोटिफाइड बाय द बैंक दैट अ चेक 133 रिसीव फ्रॉम वहीद हैड बीन डिसऑनर्ड. पता ये चला भाई, एक कस्टमर था हमारा वहीद जिसने चेक दिया था 133, वो डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया. ऑन द सेम डे कैश सेल 950 वाज पेड इनटू द बैंक, दे वर एंटर्ड इन द कैश बुक. कह रहे व्हाट वाज द बैलेंस ब्रॉट डाउन इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक ऑन थर्ड मे. आपको बताना है थर्ड मे में कितना बैलेंस बच गया. तो आसान है, इसके लिए एक अपडेटेड कैश बुक बना देते हैं. अगर आप देखें ओपनिंग बैलेंस क्या दिया हुआ है, फर्स्ट मे में ओवरड्राफ्ट. ओवरड्राफ्ट कहाँ आएगा भाई, बैलेंस बीडी बेटा क्रेडिट साइड पे आ जाएगा. कितना आ रहा था 1144, इसका मतलब माइनस में जा रहा है भाई. और ट्रांजेक्शन देखो, चेक बाउंस हो गया. यार बताओ, जब कस्टमर से चेक आया था क्या एंट्री बनाई होगी, बैंक डेबिट और वहीद का अकाउंट क्रेडिट. अब जब वो चेक बाउंस हो गया तो बैंक को कम कर देंगे और रेफरेंस में लिख देंगे वहीद डिसऑनर्ड चेक. सही है ना, वहीद डिसऑनर्ड. और उसके बाद वो कह रहा है कि कैश सेल बैंक में जमा करा दी. कैश सेल बैंक में जमा कराने से बैंक बढ़ जाएगा, बैंक को डेबिट कर देंगे रेफरेंस में सेल. अब इसको बैलेंस करेंगे, अगर आप देखें बड़ी साइड जो आ रही है मेरे भाई, वो आ रही है क्रेडिट. तो 1144 में 133 प्लस करेंगे 1277, और 1277 में से 950 माइनस कर देंगे, बचेगा कितना 327. ये जो 327 आया, ये बैलेंस सीडी है डेबिट साइड पे, लेकिन ये बैलेंस बीडी बन जाएगा कहाँ पे आके, क्रेडिट साइड पे. अगर बैलेंस बीडी बन गया क्रेडिट साइड पे, तो ये 327 क्रेडिट बैलेंस होगा. क्रेडिट बैलेंस का मतलब ये ओवरड्राफ्ट है. सही है ना, वो बैलेंस बीडी से पता लगता है कि डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस. तो आंसर क्या बना मेरे भाई, ए.